हेलो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट संडे की है और इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि इस रूट पर कितना काम हो चुका है। आप देख सकते हो डिवाइडर बन चुके मोस्टली और पेंट का काम हो चुका है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे डिवाइडर बन गए हैं, सड़क बन चुकी है। इनफैक्ट अब इस पर एक लेयर और डलेगी जिससे कि ये सड़क और स्मूथ हो सके। अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी तो यहाँ पे उस टाइम पे ये दोनों तरफ प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा था जो आगे सड़क के बीच में आई थी। ये देखिए, ये यहाँ पे बीच में डिवाइडर का काम चल रहा है, तो काम हो रहा है, अच्छी स्पीड से हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ऑफिशियली इस रोड का इनॉग्रेशन हो जाएगा। अभी भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं बट पब्लिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे लेन मार्किंग की जा चुकी है और डिवाइडर के बीच में लाइट की रिफ्लेक्शन ना पड़े इसलिए प्लास्टिक जो सीट से वो भी लगाई है। और अब हम बागपत पहुँचने वाले हैं। ये बागपत चौक पे पहुँच गए, कुछ एक दो पैचेस ही छूटे हुए। लास्ट टाइम भी यहाँ पे नाले का काम चल रहा था, वो बन गया है। इनफैक्ट उसके ऊपर जो सड़क बनाने का काम वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब आप यहाँ से देखिए कि राइट साइड का ही एक कुछ पोर्शन है ये पेंडिंग है और डिवाइडर भी होपफुली नेक्स्ट मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पैच है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से बड़ोद तक का, अभी इस सितंबर एंड होने वाला है तो इस साल में ये सभी तरीके से पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें डिवाइडर हो जाएगा, लाइट्स वगैरह रही, उसकी लेन मार्किंग। अब आप ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा पैच है जो पेंडिंग है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से बागपत तक, मोस्ट सभी बन चुका है। और ये भी सड़क बनने के लिए तैयार है, ये वाला एरिया जो है, क्योंकि आबादी क्षेत्र है, बागपत अपने आप में काफ़ी फेमस जगह है, डिस्ट्रिक्ट है ये हमारी। तो इसमें आपको मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट मंथ तक हम जब इसको करेंगे तब तक ये यहाँ पे रोड भी बन चुकी होगी, शायद नेक्स्ट वीक में ही काम हो जाए। क्योंकि अभी एक आप देख सकते हो कि एक ही तरफ ट्रैफिक को चला जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि दूसरी तरफ ये काम चल रहा है और इसको जल्दी यहाँ पे सड़क बना के पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ये यहाँ ये पैच कर रहा हूँ, अब यहाँ से हमारी जो रेगुलर अच्छी सड़क है वो गई। और इस वीडियो को बनाने का मेरा तरीका थोड़ा दूसरा है। पहले मैं वीडियो जो बनाता था उसमें बीच बीच में कट करके तब बनाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग इस तरीके से किया है ताकि आप मैक्सिमम एरिया देख सको और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर कर दिया है। इसे मैंने काफ़ी हद तक पोर्शन कवर करने की कोशिश की है। इससे आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि भाई इस सड़क पे कितना काम हो चुका है। साइड में रेलिंग लग चुकी है, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर पेंट हो चुका है, आबादी क्षेत्र में लाइट लग चुकी है, बागपत कनेक्टेड गया है अभी यहाँ पे, अब बालकड़ मोड आने वाला है यहाँ, तो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक का रिस्पॉन्स हाईवे का। मोदी सरकार इनफैक्ट जो भी गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे से कर रही है, और जहाँ तक और नितिन गडकरी भी हाईवेज पे काफ़ी जोर दे रहा है। ये बालकड़ मोड गया है, पहले हम इसी तरफ से सोनीपत की तरफ से आते थे अपने गांव जाने के लिए, बट ये रोड अच्छा होने की वजह से आजकल इसे प्रेफरेंस दी जाती है।
आप देख रहे हो कि मेरे से काफ़ी सब आगे निकल रहे हैं, बाइक वाले और गाड़ी वाले। एक्चुअली ब्रेक्स में कुछ इश्यू हो गए थे, इसलिए मैं धीरे से लेके जा रहा था। ये गुफा वाले मंदिर आ गए, गुफा वाले बाबा हमारे। और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है इस रोड पर। अभी मैं कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि वर्क स्लो चल रहा है, देखिए स्लो हो रहा है ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग तो स्लो भी नहीं कहेगी, यह काफ़ी अच्छी स्पीड से कहेगी। और जैसा कि मैं कई लोकल से बात हुई है जो हमारे गांव में है, बैठ के बात होती है, तो ये कहते हैं कि जो पिछली सरकार थी उसमें सड़क कई बार बन चुकी है ऑन डॉक्यूमेंट्स। बट होता क्या है, जिनको ठेके दिए जाते हैं वो सब पैसे गबन करके इधर उधर भाग जाते हैं, कुछ काम नहीं। अब प्रैक्टिकली काम हो रहा है। अगर आप इस इधर किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि कितना इस एरिया को अवॉइड किया गया था, इस रूट को अवॉइड किया था, जो सिंगल लेन होती थी चलने के लिए। इतनी हमारी सिंगल सड़क होती, इस सड़क को यूज़ किया जाता था आने जाने के लिए, और जिसकी वजह कई एक्सीडेंट होते थे, आने जाने में दिक्कत होती, रात का सफ़र इजी नहीं था। लेकिन सड़क चौड़ी होने से, बीच में डिवाइडर लगने से और अच्छी सड़क बनने से इस पे सफ़र आसान हुआ है। मुझे जिस तरीके से इसका स्पेस लगता था, मुझे लगता है ये 3 लेन ईच साइड होगा, लेकिन पीछे जैसे आपने वीडियो देखी होगी, ये अच्छी स्पेशियस 2 लेन की सड़क बनाई गई है, जो मार्किंग की जाए 2 लेन के लिए की जा रही है। ये बड़ोली के पास भी कुछ एक पैच है छोटा सा, क्योंकि दोनों तरफ नाले का काम होता है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। सड़क के लिए जो बेसिक होते हैं उसके लेयरिंग है, वो लेयरिंग हो चुकी है, तो यहाँ भी सड़क कभी भी बन सकती है। ये देखिए अच्छी स्मूथ सड़क बनाई गई है। अब हम नहर के पास पहुंचने वाले हैं बड़ोत में, जहाँ पे पुलिया का काम ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट, और आई थिंक जो पुरानी पुलिया थी उसको सर डिसमेंटल करके दोबारा बनाया जाएगा। और उससे आगे एक नाला है, उसकी वजह से काम चल रहा है, वो भी आप देखना। आई होप इस वीडियो आपको अच्छी लगी। मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश की है, अराउंड 80-85% रोड काम का काम कम्प्लीट हो चुका है, और बाकी भी 1-2 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। और बाकी जो फिनिशिंग वर्क है जैसे पेंट वगैरह करना, वो तो चलेगा, तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये बाय न्यू ईयर हमें इस पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी, ये रोड यूज़ करने के लिए। यूज़ तो अभी भी हो रही है, बट फुल फ्लेज हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।